हेलो, यहाँ पे हर पल में टेंशन में, तुम जानती हो। देखो मैंने काम शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी तुम्हें रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। ये किससे बात कर रही है और इतनी टेंशन में क्यों है? आई डोंट बिलीव यू, मुझे तुमसे मिलना है और मिल के बात करनी है। अभी अभी कैसे मिलूं? अभी मुझे बुलबुल से मिलने जाना है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मैं तुमसे मिलने आती हूँ। कहाँ आना है? कैफे डोम। ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुँचती हूँ। ओके। टैक्सी टैक्सी। प्रज्ञा बुलबुल को छोड़ के किसी और से मिलने जा रही है। ऐसा कौन है जो इसके लिए बुलबुल से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया? कहीं ये वही तो नहीं जिसकी वजह से प्रज्ञा ने घर में इतना ड्रामा किया? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। हो गई तेरे दिन की शुरुआत मिताली। बन जा मिताली बहू से नौकरानी। क्या करी हो ये? वो मैं ये देख रही थी। जानती भी हो क्या है ये? केसर है केसर। 15,000 रुपए का 100 ग्राम मिलता है। गलती से गिर गया ना, हमारी जो सास है ना, हमारी सांसें रोक देगी। रख लो इसे वापस। सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं तो बस यहाँ पे कुछ काम करने आई थी। कुछ है मेरे लिए? हाँ है ना, बहुत बड़ा काम। यहाँ से जाओगी ना तो मुझ पर मेहरबानी भी करोगी और बहुत बड़ा काम भी करोगी। चलो जाओ यहाँ से, बहुत सारे काम पड़े हैं मुझे। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मैं तो आपकी छोटी बहन की तरह हूँ ना, और मैं जानती हूँ जब नई बहू नए घर जाती है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालती है, और मैं आज से ही सब संभालना चाहती हूँ। तो मेरे लिए कुछ काम है तो आप बताओ, आप जो कहोगी मैं वो करूंगी। क्या कहा तुमने? मैं जो बोलूंगी वो तुम करोगे? प्रेग्नेंट हो ना तुम, तो हम ऐसा करते आधे आधे काम बांट लेते। ठीक है ये। अच्छा मम्मी जी को क्या पसंद है? कोई फायदा नहीं, मम्मी जी को इंप्रेस करने का सोच रहे हो। सबसे अच्छा तो ये है कि तुम आकाश अपने पति को इंप्रेस करने की सोचो, क्योंकि मम्मी जी को भी पता नहीं है कि आखिरी बार वो कब खुश हुई थी। क्या हो रहा है यहाँ? मुझे पता था कि तूने अभी तक कुछ काम नहीं किया होगा, कामजोर कहीं की। क्या है ये? और तू तू क्या कर रही है यहाँ? क्या सोचा तूने? हाँ कि तू अपने हाथ से खाना बनाएगी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, तुझे आशीर्वाद देंगे, तुझे शगुन देंगे। अरे मैं तो तुझे अपनी बहू मानती भी नहीं हूँ। मेरे लिए तेरा इस घर में होना ना होना बराबर है, समझी? तू तो अपने पहले ही दिन से यहाँ से जाने के दिन गिनने शुरू कर। आकाश के दिल से तेरे नाम का भूत उतार के उसी के हाथ तुझे धक्के मार के अगर मैंने इस घर से नहीं निकाला ना तो मेरा नाम बदल देना तू, समझी? और हाँ खबरदार, अगर तूने इस किचन में किसी भी चीज को हाथ लगाया तो मैं इस किचन में बना हुआ खाना आज खाऊंगी ही नहीं, समझी तू? और तो निकलनी। मैं तो पहले ही बोल रही थी कोई फायदा नहीं है। कोई सुनता कहाँ मेरी? सबको ऐसा लगता है कि मिताली बकवास करती है। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हारे लेफ्ट में मुड़ के देखो, ब्लू स्कार्फ। देखो तनु, मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला है, लेकिन अबॉर्शन करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, प्लीज। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ प्रज्ञा। मैं पहले वही सोच रही थी कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो और कैसे कर सकती हो, पर जब मुझे आलिया ने बताया तब मुझे पता चला। थैंक यू सो मच। आई नो तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। आई मीन अभी के सामने अभी की दादी को हर्ट करना,
उनसे ऐसे बात करना ये बहुत मुश्किल है। इट मीन्स उन दोनों से दुश्मनी मोल लेना, और ये सब कुछ तुमने मेरी वजह से किया है। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। मैं कैसे बताऊं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने पति और उनके परिवार की इज्जत के लिए कर रही हूँ, अभी के लिए। वो मुझे मिस करता है, मेरे बारे में बात करता है वो। तुम तो अभी के साथ रहती हो ना, तो तुम अच्छी तरीके से जानती होगी कि वो मुझे कितना मिस करता है, मुझसे बात करना चाहता है वो। दिन में कितनी बार मेरे बारे में बात करता है वो, बताओ ना मुझे प्रज्ञा। तनु, मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि शायद तुमसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की है मैंने, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत से ये सब कुछ कमाया है, बहुत फेमस है वो। उनकी जिंदगी में शायद उन्होंने सिर्फ ये एक ही गलती की है, और मैं नहीं चाहती कि उनकी ये एक गलती उनके करियर को ख़त्म कर दे, उनके इमेज को ख़राब कर दे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ उनके लिए कर रही हूँ। उसे अभी यही देखा था, फिर इतने में कहाँ चली गई? सब उस सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। कार पार्क करने देता तो प्रज्ञा मेरी आंखों से दूर नहीं जाती। ये यहाँ किससे बात कर रही है? रीजन चाहे जो भी हो प्रज्ञा, पर तुम मुझे मेरी लाइफ की खुशियां वापस दे रही हो। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर तुमने मुझे वापस वो उम्मीद दिलाई कि मुझे मेरा प्यार वापस मिलेगा, मेरे बच्चे को अभी का नाम मिलेगा। दलजीत, तू नीचे क्यों आई? तू तो कह रही थी ना जब तक प्रज्ञा माफी नहीं मांगेगी मैं नीचे नहीं आऊंगी। प्रज्ञा ने तुमसे माफी मांग ली? माफी तो क्या, उसने तो मुझे अभी तक शक्ल भी नहीं दिखाई। तुझे दिखे तो उसको कह देना, अगर वो समझती है कि मुझसे गलती हुई है तो फिर मैं माफी मांग लूंगी। क्या कह रही है दीदी आप? और ये क्या, आप किसके लिए इतना इमोशनल हो रही है? उसके लिए जिसने आपकी इमोशन की कदर नहीं की। प्रज्ञा ने आपके फैसले को मना किया। हो सकता है दीदी कि प्रज्ञा को ऐसा लगता हो कि उसने जो फैसला किया वो सही हो, लेकिन उसे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अभी जब भी कोई गलती करता है वो माफी मांगे, उससे पहले आप उसके कान पकड़ के उससे माफी मंगवाती है। प्रज्ञा के साथ भी आप ऐसा ही कीजिए, उसके कान पकड़ के आप उससे माफी मंगवाइए। इंदु ठीक कह रही है, जब प्रज्ञा मिले ना उसके कान खींच लेना और पूछना कि ये गलती क्यों की उसने। अब ऐसे ही करना होगा। आने दो उसे घर, खबर लूंगी उसकी। वो मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है? अगर की है तो अभी तक उसने माफी क्यों नहीं मांगी? सब यही है, अब इनके सामने कैसे जाऊंगी? उस वक्त तो किसी तरह हिम्मत जुटाकर दादी से सब कुछ कह दिया मैं, लेकिन सबका दिल दुखाने के बाद इनकी आंखों में देखा और सॉरी कह दिया तो ओह गॉड, आई कैन बिलीव कि प्रज्ञा ने मेरे लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया, अभी के सामने अभी की दादी की इंसल्ट की। आई विश मैं भी वहां होती, पर अभी को प्रेगनेंसी की न्यूज दू या नहीं, थोड़ा और वेट करना चाहिए। अभी जब पूरी तरीके से उस प्रज्ञा से नफरत करने लगेगा तभी उसे ये गुड न्यूज दूंगी। तुम क्यों? सरप्राइज पसंद नहीं है? सरप्राइज? I'm shocked, अभी अभी मुझे तो लगा कि तुम मुझे भूल ही गए। मैंने कितने फोन किए तुम्हें, कितने मैसेजेस किए, लेकिन तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। और ऐसे में अचानक आओगे तो शॉक तो हो जाऊंगी ना मैं।
तुम्हें सिर्फ अपने मूड की पड़ी है, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। मेरे बारे में इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, मुझे अंधेरे में रखा और मुझसे कह रही हो कि मैं झगड़ा कर रहा हूं। क्या बात छुपाई मैंने तुमसे? अभी तुम क्या बात कर रहे हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इतने दिनों से मैं तुमसे टाइम मांगता रहा ताकि हम दोनों जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं मैं उसे सॉल्व कर सकूं, लेकिन तुम्हें हर काम अपने तरीके से करने की आदत है ना। इस बार तुमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले उसे तुमने और कॉम्प्लिकेट कर दिया, और अब तो तुमने सारी हदें पार कर दी। तुमने वो किया जिसे करने से पहले कोई भी लड़की ना हजार बार सोचेंगी। स्टॉप इट अभी, मैंने ऐसा क्या किया है मुझे बताओगे? बंद करो अपना ये ड्रामा। मेरी दादी को हर्ट किया, वैसे देखा जाए तो तुम ही थी जिसने दादी का दिल दुखाया। इनफ अभी, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं किस टाइप की लड़की हूँ? जब मैं काम करने के लिए, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं क्या बेवकूफ दिखता हूँ या फिर कोई बच्चा लगता हूँ मैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि शादी के बाद हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, मिलेंगे, लेकिन हम कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? सो स्टॉप लाइंग, अपना ये ड्रामा बंद करो, अपना ये खेल बंद करो और चलो प्रज्ञा को बताओ। अभी रुको, तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं? मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हें याद नहीं लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब तुम मेरे घर पे आए, जब प्रज्ञा ने तुम्हें डिवोर्स के लिए बोला था उस दिन मेरे घर पे आए थे, और तुमने पी रखी तो तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन हमारे बीच सब कुछ। उस दिन मैं पीकर तुम्हारे पास आया क्योंकि मैं उदास था, मैं अकेला था। एक दोस्त बनकर तुम्हारे पास आया क्योंकि मुझे सहारे की जरूरत थी और तुमने मेरे How dare you? मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। तुम फिर से मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो। प्लीज डोंट डू दैट टू मी। और तुम प्रज्ञा को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। और तुम चाहती हो ना, मैं वो होने नहीं दूंगा। जो बोलना था ना तुमने बोल दिया, इसके बाद कुछ मत बोलना। और भूल जाना कि तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता था भी, और मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। तुम किसी के लायक नहीं हो, ना मेरी दोस्ती के और ना मेरे प्यार के। तुम्हारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अभी अभी प्लीज मेरी बात सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, वो तो सिर्फ हो गया था। अभी वो एक ऐसा मोमेंट था जो हम बदल नहीं पाएंगे। अभी अभी ट्रस्ट में मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। ना ये सच और अपनी ये मोमेंट जो है ना अपने पास ही रखना, क्योंकि ना तो मुझे इस पर भरोसा है और ना इनकी परवाह। क्या कहा मैंने तुम्हें? मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ये मत सोचना कि तुम मुझे कुछ भी करवा सकती। बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बार बार दादी के सामने आना और उनसे बदतमीजी करना। उनसे नहीं होता ये सब। मैं बिना उनका दिल दुखाए अपना मकसद पूरा नहीं कर सकती। हाँ माँ। बेटा कहाँ रह गई तू? तूने कहा था ना कि सीधा अस्पताल में ही मिलेगी, फिर अभी तक आई क्यों नहीं है? हाँ माँ, वो मैं आने ही वाली थी लेकिन रास्ते में दादी का फोन आ गया। उन्हें कुछ जरूरी काम था ना मुझसे, इसलिए मुझे घर आना पड़ा वापस। अच्छा, लेकिन बेटा पहले बता देती ना। मुझे तो पता है ना तेरी बहन का, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है और बच्ची बन गई है। अरे तब से मेरा सर खा रही है कि कब आएगी प्रज्ञा दी, कब आएगी। आना तो चाहती हूँ माँ, लेकिन
कैसे हम? हाँ ये भी है। कहाँ है वो, उसे फोन दीजिए ना। नहीं बेटा मैं अभी बात नहीं करा सकती, वो मैं ना जरा नीचे आई हुई हूँ, अस्पताल में है ना दवाइयों की दुकान, उसकी दवाइयाँ लेने, और वो वहाँ ऊपर है, डॉक्टर साहब उसकी पट्टी बदल रहे हैं। तुझे बताया क्या हुआ? वो डॉक्टर साहब है ना, वो जो उसकी पट्टी बदल रहे थे, उन्हें इमरजेंसी से ना किसी ने बुला लिया। वो तो वहाँ चले गए, लेकिन तेरी शरारती बहन को खूब सारी शरारतें सूझ गई। अरे वो साथ वाले ना बेड है ना, उस पर एक लड़की लेटी हुई थी, उसके भी पाँव में ना प्लास्टर लगा हुआ था। इसने क्या किया, वो लाल वाली दवाई है ना, उसके प्लास्टर के अंदर डाल दी, और फिर कहने लगी कि देखो 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 कितना सारा खून आ गया, अब तो तुम्हारा पाँव कटा ही समझो। अरे उस लड़की ने तो सारे अस्पताल को अपने सर पे उठा ये बुलबुल बिल्कुल पागल है, बच्ची है अब तक। रस्ते में तो उसने हद ही कर दी। अरे एक आदमी अच्छा भला बेचारा अपने मोटरसाइकिल पर अंडे लेके जा रहा था पीछे रख के, और उसको कहने लगी कि देखो देखो अंडे में से चूजे निकल आ रहे। अरे उसने उस पर विश्वास कर लिया, पीछे मुड़ के जो देखा तो बेचारा नीचे फिसल गया। लेकिन माँ आप इसके लिए बुलबुल को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, वो तो उस आदमी की गलती है। मेरा मतलब है चलते चलते बाइक पर से अंडों में से चूजे कैसे निकल। कौन सा सच? तुम्हें लगता होगा ना कि तुम इतनी स्मार्ट हो कि लोगों को पहचान लेती हो, लेकिन तुम्हारे इसी स्मार्टनेस को तुम्हारी कमजोरी बनाकर लोग तुम्हारा फायदा उठाते। तनु तुम्हें बेवकूफ बना रही थी और तुम बन भी रही थी। तनु कोई प्रेग्नेंट वेग्नेंट नहीं है। क्या? आपसे किसने कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं? किसी ने कहा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। आप कुछ नहीं जानते। आपको ऐसा लगता है कि आपको हर किसी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन कुछ कुछ जाने बिना कुछ समझे बिना ऐसे ही रिएक्ट कर देता है। हाँ मैं करता रहूंगा, लेकिन दिस टाइम आई एम प्रीटी श्योर, इन फैक्ट आई एम वेरी श्योर ये बात मुझसे जुड़ी है, और मैं जानता हूँ तनु प्रेग्नेंट नहीं है। शी इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। ऐसा नहीं है, ये प्रेग्नेंट है, बल्कि इन्हें ऑलमोस्ट 1.5 मंथ प्रेगनेंसी है। मैंने उसका टेस्ट करवाया था, मैंने उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी है। रिपोर्ट्स? कल को अगर मैं डॉक्टर से कोई रिपोर्ट लेकर आऊंगा जो कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम मान जाओगी? कैसे कैसे आप किसी की प्रेगनेंसी का मजाक नहीं उड़ा सकते? जब कोई प्रेगनेंसी है ही नहीं तो मजाक कैसा? मेरी समझ में नहीं आ रहा आप ये सब क्यों बोल रहे हैं। आप तनु से प्यार करते हैं, अपने ही प्यार की निशानी पर आप कैसे शक कर सकते हैं? तुम समझ नहीं रही हो कि मैं आप उससे प्यार करते हैं या नहीं। मैं वो बात को टाली मत, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप तनु से प्यार करते हैं या नहीं? चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो अभी? मैंने कहा चलो मेरे साथ। अभी छोड़ो मेरा हाथ, अभी छोड़ो। यू हर्टिंग मी, अभी छोड़ो। क्या करना चाहते हो तुम? मैं प्रज्ञा को प्रूफ करना चाहता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा सच सामने लेकर आना चाहता हूँ। प्रज्ञा जानती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रज्ञा सिर्फ वही जानती है जो तुमने उसे बताया। प्रज्ञा वो नहीं जानती जो मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम प्रेगनेंसी का नाटक कर रही हो, खेल खेल रही हो ना? तुम उसे ट्रिक कर रही हो, हाँ कि नहीं? देखिए आप क्यों गुस्से से बात कर रहे हैं? आराम से भी तो बात कर सकते हैं उसे इस हालत में। क्या क्या आराम से? ये हमेशा से ऐसा करती आई है। तुम नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। इसी ने मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया। मैंने कहा था इसे कि ऐसा करने से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैंने इसे ये भी कहा था कि मैं इस रिश्ते से नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन ये मेरी बात सुनती का है। इसे सिर्फ आज की पड़ी है, कल की कोई परवाह नहीं है इसे। और अभी भी ये मेरे साथ यही कर रही है। अपनी घटिया ट्रिक करके ना मेरे लाइफ की कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रही है, और तुम कह रही हो कि मैं चुपचाप बैठ कर देखता रहूं। बहुत मेहनत से मैंने अपना ये नाम बनाया। चलो मेरे साथ और अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओ।
नहीं जा रही। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस बात का मैं सबूत क्यों दूँ? जब तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं तो तुम होते कौन मुझसे ये पूछने वाले? तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा नाम खराब किया, और तुमने मेरे साथ क्या किया? अभी तुम हमेशा मेरी लाइफ में रहे, लेकिन हमेशा तुमने अपनी लाइफ से मुझे दूर रखा। प्यार करते हो ये कहने की हिम्मत रखते हो, लेकिन नाम देने की हिम्मत नहीं। तो बताओ मिस्टर अभी, कौन हो तुम और क्यों तुम अपनी प्रेगनेंसी का सबूत? आज मुझसे मेरी प्रेगनेंसी का सबूत मांग रहे हो, कल को ये सबूत मांगोगे कि ये बच्चा तुम्हारा है भी या नहीं? ये सबूत दूं कि तुम्हारे करियर में हमेशा तुम्हारे साथ रही, मैंने अपनी फीलिंग तुम्हारे साथ शेयर की, उस बात का सबूत कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया, ये सबूत दूं? तो एक बात मैं भी सुनाना चाहता हूं। मैं हमेशा से तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन तुम ही थी जो सोसाइटी के सामने एक क्लीन इमेज रखना चाहती थी। तुम ही थी जो लोगों से कहती थी कि हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर मुझसे बढ़कर था। सक्सेस पाने की चाहत में तुमने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया, और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो इन सब बातों के लिए सबूत मांगू, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम सच बोल रही हो तो टेस्ट क्यों नहीं करवाई? तुम्हें एक आखिरी बार बोल रहा हूं, मैं मेरे साथ चलकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, वरना उसके बाद मैं तुम्हारी कोई भी बात पर भरोसा नहीं करूंगा। रेस्ट इज अप टू यू। हाँ तुम मत करो भरोसा और चले जाओ यहां से, और कर भी क्या सकते हो तुम? लेकिन मैं तुम्हें कुछ प्रूफ नहीं करने वाली, बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट मिस्टर अभी, यू डोंट डिजर्व इट। देखो इस हालत में ऐसे रोना, डोंट टच मी, नहीं सुना मुझे कुछ भी। अब क्या कहने आई हो तुम? तुमने देखा नहीं अभी ने क्या कहा कि उसे भरोसा नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूं? और क्या कहने आई हो तुम? मुझे सपने दिखाना बंद करो। तुम कह रही थी ना कि मैं उस घर की बहू बनूंगी, मेरा बच्चा मेरा परिवार का वारिस बनेगा। मुझे अभी की बातों से दुख नहीं हुआ, उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी बातों से दुख हुआ। बस मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज, देखो जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, अबॉर्शन मत करवाओ तनु, ये मेरी लाइफ है, मेरा बच्चा है। और तुमने नहीं सुना अभी ने क्या कहा? उसे नहीं है भरोसा कि मैं प्रेग्नेंट हूं। किसके भरोसे मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊं? उन्हें सच पता चल जाएगा ना, वो तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी परवाह करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें तुम पर भरोसा हो जाएगा। तुम्हारा क्या गारंटी इस बात की? क्या गारंटी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ये जानने के बाद अभी मुझे अपना लेगा? क्या गारंटी है? सिर्फ कुछ दिन है मेरे पास, कुछ दिन बाद मुझे सात फेरों के रिश्ते को तोड़ कर जाना होगा, हर वो रिश्ता तोड़ना होगा जो मैंने उस घर में बनाया, जो प्यार जो अपनापन मुझे मिला उसे भुलाकर मुझे अपने घर। जीता रहे मेरे बच्चे, तू 100 साल से भी ज्यादा जी, तेरे जैसा दूसरों का दुख समझने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए तो तू रॉक स्टार कहलाता है। पहले तेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था जब तूने अपने दिल की बात जीजू को नहीं बताई थी, लेकिन अब तूने जीजू को प्रपोज कर दिया है, तेरी हाफ बैटल तो ऐसी जीत गई है तू। लेकिन मैं अपने घर में कहूंगी क्या? कैसे समझाऊंगी कि मैं ये सब अपनी खुशी से कर रही हूँ? खुश रहने का दिखावा भी किया तो बुलबुल को जरूर पता चल जाएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और उसे पता चला तो माँ और दादी को भी पता चल जाएगा।
मैम आप एक मिनट के लिए मेरे बच्चे को पकड़ेंगी? मुझे फोन सुनना है, शायद मेरे घर से कॉल आ रही है। थैंक यू मैम। अच्छा उस बच्चे के गोद में आते ही मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गई। मैं उसे जानती भी नहीं, फिर भी उसे देखते ही मेरे चेहरे पर एक खुशी आ गई। ऐसे ही दादी भी कितनी खुश होंगी। आपके लिए इस घर का वारिस सिर्फ इन्हीं का बच्चा है, आकाश का नहीं। क्यों? क्योंकि ये कामयाब है, फेमस है। मुझे करना होगा दादी, मुझे। कोई भी लड़की अपने बारे में ऐसे कैसे बोलेगी? ये सच है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो समझ में आ गया कि दादी के साथ उसने जो भी किया वो तनु की वजह से किया, पर मुझे लेके उसकी जो फीलिंग्स है वो सब। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। लेके किनारे मैंने जो कुछ भी कहा आपने उसे सीरियसली तो नहीं ले लिया? वो तो मैं मजाक कर रही थी। मैं आपसे प्यार नहीं करती। कहीं वो भी उसने तनु की वजह से तो नहीं बोला? हाँ, जब वो दादी के सामने खुद को बुरा बना सकती है तो मेरे सामने भी तो जरूर वो उस रात एक्टिंग ही कर रही थी तनु के उस झूठ की वजह से। पर आज मैं पता लगा ही लूंगा कि उसके दिल में है क्या। कैसे पता लगा? एक दो सिप्पी ले लेता हूं, थोड़ी हिम्मत तो आ जाएगी। टूटा है। नो। तुम? ओह, अच्छा तुम आ गई। मैं इतने बड़े प्रॉब्लम में हूँ, अब तुम आ गई हो ना तो मुझे सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आई गेट सोल्यूशन। आपने इतनी शराब क्यों पी? इतनी थोड़ी पिए, इतनी पिए मैंने। अब क्या करता, वो दिल देख रही हो वहां पर? मैं कब से इस दिल को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये कमबख्त दिल टूटता ही नहीं है। देखो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, देखो काजू मैं फेंक के दिखाता हूं, देख रही हो ना? देखा, नहीं टूटा। तुम मेरे लिए फेवर करोगे? प्लीज प्लीज इधर होना, तुम प्लीज मेरे लिए इस दिल को तोड़ दो ना, प्लीज। देखो तुम दिल तोड़ने में एक्सपर्ट हो ना, तुम मेरे लिए प्लीज ये दिल तोड़ो ना, प्लीज तोड़ो। आपने बहुत पी रखी है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, प्लीज सोचो। देखा तुमने, इतने प्यार से मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट किया और तुमने मुझे मना कर दिया। इतनी आसानी से मेरा दिल तोड़ दिया। अब जब तुम मेरा दिल तोड़ सकती हो तो ये तो तोड़ ही सकती हो, प्लीज मेरे तोड़ दो ना। प्लीज छोड़िए मुझे जाना है। कहाँ जाना है तुम्हें? पहले ये दिल तोड़ना है फिर जाना है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।